हिमाचल के ज्वाली इलाके में पीलिया की बीमारी के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12 पीलिया के नए मरीज सामने आए हैं, जिससे अब ज्वाली में पीलिया मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 72 पहुंच गया है। आज सुबह अस्पताल के बाहर पीलिया के टेस्ट के लिए लंबी लाइनें देखी गई। लाइन में लगी एक लड़की चक्कर खाकर गिर गई। खास बात यह है कि पीलिया की चपेट में आने वाले सभी 10 से 22 साल के युवा ही पाए गए हैं। पीलिया के लगातार बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आज धर्मशाला से विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम डॉक्टर आर के सूद के नेतृत्व में ज्वाली अस्पताल पहुंची तथा उन्होंने पीलिया के 35 मरीजों के ब्लड सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजा है, जिससे पता लगाया जाएगा कि इस पीलिया रोग में कौन सा वायरस है ताकि उस पर काबू पाया जाए। इसके साथ ही डॉक्टरों की विशेष टीम पीलिया से पीड़ित रोगियों से भी मिली तथा उनके खानपान, आसपास की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी जुटाई तथा उनके घरों से पानी के सैंपल भी लिए गए। इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ पेयजल टैंकों का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह पीलिया रोग किस कारण फैल रहा है, इसका अभी तक कोई भी ठोस कारण पता नहीं लग पाया है। आईपीएस विभाग हर जगह से पानी के सैंपल ले रहा है, परंतु सभी टेस्ट ठीक आए हैं। निकासी पाइपों को भी चेक किया गया है। आईपीएस विभाग ने अपने ओवरहेड टैंकों में पानी में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा भी बढ़ा दी है, लेकिन मामले फिर भी थम नहीं रहे हैं। एसएमओ ज्वाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि पीलिया के मरीजों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। आज 12 नए पीलिया के मरीज अस्पताल में आए हैं। इस समय 22 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी अपने घरों में उपचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से निपटने के लिए एक विशेष टीम सिविल अस्पताल ज्वाली पहुंची है, जिन्होंने पीलिया से पीड़ित मरीजों के ब्लड सैंपल लिए हैं, जिन्हें टांडा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पीलिया से लोग घबराए नहीं, बल्कि सावधानियां बरतें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। पीलिया के 60 मरीज थे, तो आज 12 नए और आए हैं मामले, तो अब तक की गिनती 72 हो गई है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम भी आज आई है, जिनके मेंबर हैं डॉक्टर आर के सूद, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनके साथ डॉक्टर राहुल भी आए हैं। तो इन्होंने आज यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 सैंपल लिए हैं लोगों के, जिनको टांडा भेजा जाएगा। जो जॉन्डिस से पीड़ित लोग हैं उनसे भी ये पर्सनली मिले हैं, तो पर्सनली उनका पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री, उनका खान पान, उनका रहन सहन, किस एरिए में रहते हैं, आसपास पानी का क्या सप्लाई है, वो सब भी इन्होंने उनसे पूछताछ की है। अभी वो खुद भी पर्सनली सब वाटर सप्लाई, जो जहाँ से ज्वाली को या आसपास के एरिया को पानी सप्लाई होता है, किम्बन में जो हमारा टैंक है उनका भी निरीक्षण किया है, देर खट में जो परकुलेशन वेल है उसका भी निरीक्षण किया है। तो वहाँ पे भी उनको पानी में एज सच कोई समस्या लग नहीं रही है, तो कर रहे हैं वो निरीक्षण। और आज सैंपल भेजे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह का वायरस अफेक्ट कर रहा है और क्या सोर्स है उसका, उस पर भी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी जनरली हम लोग इसके बाद मैपिंग करते हैं कि कौन से एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है, तो वो आज हो जाएगा, तो होपफुली हमें कुछ ना कुछ सोर्स का पता चल जाए। सर अभी तक हॉस्पिटल में कितने मरीज एडमिट हैं? अभी की डेट में तकरीबन 22 मरीज एडमिटेड हैं जॉन्डिस के, तो जिनमें से कुछ स्टेबल हैं, काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, तो उनको हम कल तक छुट्टी दे देंगे। तो मेरे ख्याल से कल तक हम तकरीबन 15 लोगों को छुट्टी दे देंगे और उनको ओपीडी बेसिस पे ही हम फॉलोअप करेंगे। वीकली उनके 2 या 3 बार एलएफटी करा के मॉनिटर किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.